मस्त।
अपनी नाव खुद चलाने लग जाते हैं। ये गलती हम कर पाते हैं। नाव चलाने का शौक हो, चलाना अपनी नाव नहीं, अपनी नाव तो इसी के हवाले रहने देना। नाव चलाने का शौक हो जैसे दूसरे के डूबती नाव को हाथ पकड़कर किनारे लगाने की कोशिश करना, श्याम आपका गुलाम बन जाए। वरना आपको भी कहना पड़ेगा, वरना
बंद हो जाएगा, फिर टाइम लग जाएगा स्टार्ट होने में। इसी का तो देखो दिल की बात बताऊं आपको, जब यात्रा का मन बना था तो साथ साथ ये भी मन बना था कि साथ साथ कीर्तन करेंगे 2 घंटे। लेकिन जितनी भी जगह गए हम लोग, जब रेखी में गए तब यही महसूस हुआ कि छोटी सी तस्वीर लगाएंगे अपने ठाकुर जी की, जो रथ में विराजमान है बाबा के नीचे कला भवन की, और हम लोग जो पद यात्री हैं उतने ही होंगे, 2-4-5 और मिल जाएंगे। लेकिन आज 17वां दिन है प्रेमियों, मुझे नहीं मालूम था कि छोटे छोटे गांव के अंदर में भी बाबा के भजनों के इतने दीवाने हैं। आप लोग कहां कहां से चलकर आ रहे हो। आज तक का 17 दिन के अंदर में जितनी जगह भी कीर्तन हुए हर जगह फूल थी, ये मेरा विश्वास है। कीर्तन क्यों रखा पता है, कोई भी काम कर लो पूर्णाहुति कीर्तन बिना हो ही नहीं सकती। आप कुछ भी कर लो लेकिन कीर्तन करो तो बाबा खुश हो जाता है, वही पूर्णाहुति होती है। आखिरी आखिरी चीज कीर्तन होनी चाहिए। 30-35-40 साल पहले जब घर में लोगों के काम अटकते थे ना, तो बड़े बुजुर्ग दादी माँ दादाजी लोग बोल देते थे, बाबा तेरा जागरणा करांगा, मारो काम बना दे। और बोलने मात्र से काम बन जाता था और सारी रात का जागरण करते थे। आज भी अटल सत्य प्रेम हो, मेरी बात पर विश्वास नहीं भी होना, कभी कोई काम ऐसा कोई ऐसा काम जो नहीं बन रहा है, अरदास लगाना बाबा आपका रथ जगा करेंगे, कोई आए ना आए मैं आपको सारी रात भजन सुनाऊंगा सुनाऊंगी। पर ठाकुर जी की जोत करने बैठ जाना, पर किताब लेकर बैठ जाना, अपने परिवार के लोगों को बुलाना, कोई आए तो ठीक नहीं आए तो ठीक, लेकिन बाबा को सारी रात भजन सुना देना, एक रात के बदले में चाहे कितना ही बड़ा से बड़ा काम क्यों ना हो वो काम बाबा बना कर जाएगा। ये ना तो विश्वास दिया इसीलिए कीर्तन रखा कि बाबा थक हार कर आएंगे और उसके बाद तुझे भजन सुनाएंगे ना, तो जो दर्द हमारे हो रहे हैं वो आपको महसूस होगा। और सुबह जब उठेंगे तो आप सिर पर हाथ फिराकर फ्रेश करके निकलने दो। अभी तक ऐसा ही हो रहा है, रात को जब आते हैं तो टूट जाते हैं, लेकिन सुबह जब खड़ा करता है ना बाबा तो लगता है कि बस बिल्कुल फ्रेश है, पहले दिन से स्टार्ट कर। श्याम थारे बिन दास का
Thank you.
Thank you.
हेलो
एक भजन में आप उछल कूद कर चुके हैं, एक भजन ऐसा गाओ कि शाम उछलने लग गए, लेकिन आप बिल्कुल शांति से। एक निवेदन, ये बाबा से बहुत बड़ी बात कही है भजन के माध्यम से। हम लोग क्या फिक्र है पता है, जब तक देता है ना तब तक तो बाबा बाबा बाबा, और दो दिन कोई काम अटक जाता है ना तो बस मन घबरा जाता है और हम इधर उधर भटकने लगते हैं। लेकिन जाने को मन भैया, देखिए इसके बाद जिसको चोट लेनी है ना वो इस भजन के बाद लेना, ठीक है? क्योंकि आप बीच में आना जाना करोगे तो फिर भजन नहीं हो पाएगा। कैसे भी हालात हो भाई साहब, ओ भाई साहब हेलो प्लीज, जैसे भी हालात हो, अगर ये अरदास भाव अगर आपने ठाकुर सर को सुनाया तो विश्वास दिलाता हूं जीत आपकी होगी और हार इनकी होगी। हम लोगों ने सिर्फ यही सुना है कि ये हारे का सहारा है, ये हारते हुए को जिताता है। लेकिन प्रेमियों, बहुत से लोगों ने शायद ये नहीं सुना होगा कि कुछ एक भगत ऐसे भी आते हैं इसके दरबार में जिनसे ये हार जाता है और ये हारने के लिए तैयार बैठा रहता है। ए, इसलिए आइए, कोई भी हालात हो ये दो लाइनें याद रखना और अपने ठाकुर को सुना देना, फिर देखना। जिस हाल में रखोगे उस हाल में रह लेंगे, जिस हाल में रखोगे उस हाल में रह लेंगे, चाहे खुशियां मिले I'm
पिताजी से जो कहते थे वो मांग लो, वो मिल सकता। अगर किसी बच्चे को अपने पिता से कहता कि बाबा मुझे ये चाहिए और वो एक मांगता और उसका पिता उसे 4 लाख कर देता, लेकिन अगर हालात बदल जाए और बेटा एक मांगे और हालात ऐसे हो जाए कि पिता आधा भी नहीं ला सके, तो क्या रिश्ता तोड़ देगा? नहीं तोड़ेगा। पिता को तो फिर भी पिता ही कहेगा। मुझे खुद नहीं याद कितने वर्षों के बाद पहली ग्यारस होती, जो खाटू में नहीं होंगे। कितने वर्ष लेकिन ये संतोष है, हम भले ही खाटू में नहीं हैं, लाखों भगत कल खाटू में होंगे, कोई ना कोई तो हमारी अर्जी लगाई देगा। ये संतोष भी है, हम खाटू में नहीं तो कहीं और भी नहीं, खाटू वाले की राह पे हैं, उस रास्ते पर हैं जो रास्ता खाटू को जा रहा है। मीडिया का जमाना है, बहुत से लोग 35 mm देख रहे होंगे। कल हमारे कलकत्ता से भी बहुत से लोग खाटू जाएंगे, उनको एक पैगाम है। कोशिश है, पता नहीं कल
सक्सेस होगा कि नहीं होगा, लेकिन कोशिश है कल बरकट्टा में शाम के दरबार खाटू धाम से लाइव आपको दर्शन, और यहाँ के कीर्तन का लाइव वहां वालों को, चाहे एक भजन यहाँ का लाइव वहां सुनाए और वहां का एक भजन लाइव आपको यहाँ सुनाए, कोशिश है कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाबा चाहेगा तो होगा, लेकिन फिर भी मन तो अटक रहा है, इसलिए जो खाटू जा रहे हैं उनसे कहना है जिनको बाबा श्याम बुलाए किस्मत वाले होते हैं, जो बाबा से मिल नहीं पाते छुप छुप कर वो रोते हैं, जो बाबा से मिल नहीं पाते छुप छुप कर वो रोते हैं, जितनी परीक्षा ली है मेरी उतनी किसी की मत लेना, एक दीवाना याद रोए आपने परीक्षा नहीं ली बाबा मेरी जिंदगी में, तो आपको दिल की बात बता दूं आपने कभी परीक्षा नहीं ली, मैं परीक्षा कभी दे ही नहीं पाई, किसी सवाल का हल ही नहीं कर पाए, लेकिन आपने मेरी जिंदगी का हर सवाल को हल किया, लेकिन फिर भी आज इतने वर्षों के बाद आपके दरबार से दूर, इसलिए उन लोगों को कह रहा हूं जो जा रहे जाने वाले एक संदेश जाने वाले एक संदेश श्याम प्रभु से कह देना, जाने वाले एक संदेश श्याम प्रभु से कह देना, एक दीवाना उसको दर्शन
आगे चलना चाहिए। जिसने अभी तक तालियां नहीं बजाई बजाना, जिसने अभी तक नहीं गाया गा लेना, डायरेक्ट हाजिर घाटों लग जाए। मेला लगा है, कुछ प्रॉब्लम है, आज ही वो प्रॉब्लम हुई और प्रशासन ने जो जगह हमारी बुकिंग थी उस जगह को मिलिट्री को दे दी या सीआरपीएफ को दे दी, इसलिए जगह चेंज हुई है। यहाँ से हमारे सैंकी भैया से द गोल्डन रेस्टोरेंट जीडी रोड पर सूरजकुंड के गेट से 1 किलोमीटर पर बाबा का कल दरबार, 11 का दरबार वहाँ लगेगा प्रेमियों। और हमारे पास 35 mm चैनल यहाँ पर है और 35 mm चैनल खाटू धाम में भी है। आपको कोशिश करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा यहाँ से खाटू को और खाटू से यहाँ को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जरूर पधारना, आप जरूर आइएगा। और जाने से पहले मैं पूरे सरिया परिवार का आभार प्रकट करता हूँ श्री श्याम कला भवन की तरफ से, पूरे बगोदर के समस्त वासियों का, सरिया परिवार का। और मैं निवेदन करूंगा श्री महेंद्र अग्रवाल जी और श्री पंकज अग्रवाल जी, कृपया एक बार दरबार में खड़े हों। और आपने जो किया है उसके लिए कला भवन, श्याम कला भवन कुछ भी नहीं कर सकता और आपको थैंक्स भी नहीं दे सकता, क्योंकि थैंक्स एक औपचारिकता होती है। आपने सच बात बताऊं भैया ने बिल्कुल